से मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ आचार्य। दोस्तों, देवी कुंती के 5 पुत्रों में से सबसे बड़ा युधिष्ठिर थे, जिसको बाकी चारों भाई यानी भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने पिता तुल्य सम्मान करते थे। युधिष्ठिर के हर बात को आदेश समझकर सिर झुकाकर मान लेते थे। बाकी ऐसा क्या हुआ जो अर्जुन को अपने पिता तुल्य ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ युद्ध करना पड़ा और क्या हुआ इसका परिणाम? दरअसल गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके हस्तिनापुर वापस आने के बाद पांडवों के 5 भाई और कौरवों के 100 भाइयों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन की जाती है और इसी प्रतिस्पर्धा में अर्जुन के साथ भ्राता युधिष्ठिर का युद्ध करना निश्चित किया जाता है। इसी युद्ध में अर्जुन अपने बाणों से युधिष्ठिर के हर प्रहार को नाकाम कर देते हैं और आखिरी में अर्जुन बाणों की मदद से एक सिंहासन बनाकर अपने भ्राता युधिष्ठिर को समर्पित कर देता है, जिससे प्रसन्न होकर युधिष्ठिर अर्जुन से पराजय स्वीकार करना पसंद करता है। तुम्हारे हाथों मिली ये पराजय किसी भी विजय से अधिक गर्व देने वाली है।